हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सोकर उठा था और आज हमारे भाई का, मतलब मेरे भाई का आज बर्थडे है, तो उसको बर्थडे विश भी करेंगे। और यार आज मैं सोच रहा हूँ व्लॉग कैसे बनाऊंगा, क्योंकि अभी फ़ोन में देखो बैटरी है 43% और 7:30 हो रहे हैं और लाइट का आ नहीं रही आज, जिसको चार्जिंग पर सोच रहा हूँ कैसे लगाऊँगा। पर कुछ भी करके बैटरी इसकी मैनेज करूँगा ताकि आज पूरे दिन चल जाए, और बाकी देखते हैं। और मेरे को कल नोएडा भी जाना है, कल पेपर है भाई उसका पॉलिटेक्निक का, और फिर कल चलते हैं पेपर देने। देखो मैं फ्रेश होकर के नीचे आया था और अब थोड़ी देर बाद लाइट आ गई, ये देखो बल्ब भी जल रहा है, तो अब फ़ोन को भी चार्जिंग पे लगा देता हूँ और ये भी चार्ज हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑफिस में थे, अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग। तो देखो ये रहा अपना बाइक और उस पर बैग रख दिया है, देखो भाई और बाइक उस पर बैग रख दिया, और उस्ताद जी भी रहे। तो अभी जाएंगे भैया सामान ले रहे हैं, कंप्रेसर या कूलिंग कोइल तो वह ले लें। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कस्टमर के यहाँ पे जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाना है, पहले वाले कस्टमरों के यहाँ पे जाना है या नरेला जाना है ये नहीं पता, बाकी देखते हैं। भैया सामान ले लेते हैं, तो सामान ले लिया ऑफिस से जो लेना था, और कंप्रेसर लिया हमने, ये देखो ये रखा कंप्रेसर डब्बे में, ये रहा नीचे। तो बाकी बैग है, बैग में सिलेंडर था R22 का, तो भैया गैस डलवा रहे हैं और शॉप पर आए और गैस डलवा रहे हैं R22 की, गैस डलवा लेते हैं और फिर चलते हैं। भैया कहते हैं ओलंबी कला जाना है, शायद ओलंबी कला या पता नहीं क्या नाम दिया था, जाना होगा तो देखते हैं, जहाँ भी जाना हो चलते हैं आराम से, काम एकदम ओके करते हैं कस्टमर का। हम लोग कस्टमर के यहाँ पे आ गए, देखो ये वाला है कस्टमर का यहाँ घर शायद, और बाकी उसका जी भी अरे देखते हैं अभी चलते हैं फिर। तो देखो भाई ये इन भैया की शॉप है पर्सनल, तो अभी इन भैया के शॉप पर हैं हम, और इन्हीं का ये वैक्यूम पम्प है, इन्हीं के वैक्यूम पम्प से हम इसको वैक्यूम कर रहे हैं। तो अब इसको वैक्यूम पर लगा दिया, वैक्यूम हो जाएगा, तो वैक्यूम होता तो गैस डालते हैं इसमें। तो देखो भाई कंप्रेसर पे कितनी ज़्यादा आइस जम गई। तो देखो भाई इसमें हमने गैस वैस सब कुछ डाल दी थी, तो वायु ये मेरे से थोड़ा सा हिल गया था, और ये इनमें से ना दो पाइप ब्लॉक हो गए हैं, अब ये नहीं पता कौन से हुए हैं। तो अभी ये कैपिलरी फिल्टर भी थोड़ा सा लॉक वॉक हो गया, तो इसको निकाल देते हैं और नया कैपिलरी फिल्टर लगाएंगे। और ये देखो ये रहा अपना गैस सिलेंडर, और बाकी इसकी जो गैस है वो सारी हमने है ना इसमें से इसमें डाल दिया आउटडोर में, और बाद में जब इसको ओके कर देंगे तो आउटडोर की गैस वापस से इसमें डाल देंगे। और अब इसमें नया वो फिट कर देते हैं कैपिलरी फिल्टर, इसको निकालते हैं जल्दी से और फिर मस्त लगाते हैं इसको। तो देखो भाई इसको हमने एकदम ओके कर दिया है, और इसके डिस्प्ले में भी लाइट आ गई। फिर ये देखो यहाँ पर पानी भी जमने लग गया अभी से, और ये देखो थोड़ा क्लियर करता हूँ कैमरा को, ये देखो भाई पानी एकदम ओके जम रहा है इस पर, और ये देखो इस पे से पानी भी गिरने लग गया है, ये देखो गिर रहा है पानी। और बाकी इसकी फैन मोटर भी वगैरह वगैरह चल रही है, और ये देखो भाई ये वाला जो कंप्रेसर है ये हमने नया इसमें कंप्रेसर लगाया है, और पुराने वाला इसमें रखा हुआ है डब्बे में कंप्रेसर, तो ये रहा पुराने वाला कंप्रेसर। और बाकी हमारी जिप्सी बाहर खड़ी हुई है, और बैग भी हमने पैक कर लिया है, और ये रहे अपने हेलमेट जिप्सी, देखो जिप्सी यहाँ खड़ी कर रखी है हमने मेरी साइड। तो गाइस देखो हम लोग वहाँ से तो निकल गए थे काम वाम करके, तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे, तो भैया की बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, तो यहाँ पर खड़े हुए हैं उधर पेट्रोल, तो यार वहाँ पे धूप में थे तो भैया कह रहे हैं यहाँ लगवा पेड़ के नीचे छाए में, तो यहाँ आ गए। अब भाई बाइक में 1% तेल नहीं, अब देखो किस चीज़ से मदद लेते हैं, जाते हैं भैया कह रहे हैं 1.5 किलोमीटर दूर है पेट्रोल पम्प, और चलते हैं इसमें तेल भरवाएंगे। तो देखो यार किसी ने हेल्प तो करी नहीं, हम कह रहे थे कि कोई लात लगा दो आगे पेट्रोल पम्प तक, तो किसी ने भी लात नहीं लगाई, सामान यहाँ पर रुक गया है, उतार दे। और भैया देखो वो जा रहे हैं आगे, अकेले जा रहे हैं, आपको दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो, पर भैया अकेले गए हैं उधर पीछे, कह रहे हैं आगे थोड़ा पेट्रोल पम्प, पर किसी ने भी धक्का नहीं लगाया, भैया जा रहे हैं अकेले भरवा के लाते हैं, फिर हम भैया आएंगे मेरे को लेने, सामान भी इधर ही छोड़ गए हैं सारा, अपने हेलमेट ले गए हैं बस, और भरवा के लाते हैं फिर चलते हैं। देखो भाई वो जा रहे भैया ये, तो भैया वहाँ से तो आ गए थे लगभग 10 मिनट में आए थे पेट्रोल भरवा के, तो अब यहाँ पर आ गए हैं कस्टमर के यहाँ पे कल वाले के यहीं पर, जिनका विंडो हमने चेक करा था प्रेशर होल्ड करके छोड़ दिया था, तो वहीं पर ही आए हैं। अब देखते हैं अगर कहीं और से बस प्रेशर ना निकला हो तो फिर हम इसमें सीधा गैस डालेंगे और चल देंगे, इसका पिन वाल चेंज वगैरह करना होगा तो
तो देखो भाई ये वाला एसी एकदम ओके था, बस इसमें से पिन वाल से गैस लीक हो रही थी और हमने नया लगा दिया। ये देखो ये पड़ा हुआ पुराने वाला पिन वाल, और ये रहा अपना क्या बोलते हैं उस्ताद जी पता नहीं क्या कर रहे हैं यार इसमें, और ये रही अपनी चार्जिंग लाइन, और बाकी वहाँ पर गेरेज पड़ी हुई है और LPG, और ये रहा अपना बैकपैक। तो देखो भाई एसी इसमें फिट कर दिया है, हम जा रहे हैं यहाँ से भी। देखो हम लोगों ने वहाँ पे वो कर दिया उनका विंडो एसी, अभी वहाँ से निकल के हम वहाँ जा रहे हैं। जिनकी कल कूलिंग कॉइल में पानी निकल गया था तो उन्हीं का फ़ोन आया था, कल ही आ गया था, तो कहते हैं कि कूलिंग नहीं कर रहा है, वो पता नहीं क्या हो गया। तब उन्हीं के यहाँ पे जा रहे हैं, उन्हीं का चेक करेंगे जो उन्हीं कूलिंग कर रहा है। और अब चलते हैं यहाँ से, अभी नरेला अनार मंडी से निकले हैं तो वहीं चलते हैं उनका, अभी एसी देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है उनके एसी में। देखो आ गए कल वाले कस्टमर के यहाँ पे, यही पीछे वाला घर है ये वाला, तो इसमें जाना हमें सेकंड फ्लोर पे, तो ऊपर चलते हैं। उनका आउटडोर बालकनी में ही लग रहा है, इधर दिख तो या नहीं रहा, पर सेकंड फ्लोर पर है तो चलते हैं ऊपर। उस्ताद जी तो चलेगा अंदर, अब ऊपर चलता हूँ मैं भी। एसी इनका ठीक ही था, ये फिर भी कह रहा था कूलिंग नहीं लग रही, तो हमने देख लिया एसी एकदम ओके है। अब यहाँ से भी जा रहे हैं, उस्ताद जी ने जिप्सी स्टार्ट कर दी और कंप्रेसर ये रहा, तो अब चलते हैं यहाँ से। ऑफिस में आ गए तो कंप्रेसर वगैरह सब रख दिया, तो भाई तो आज बर्थडे रहा, तो भाई ने चाउमीन वगैरह खिला रहा, भाई देखो चाउमीन पाड़ रहे हैं उस्ताद जी भी। अब यहाँ से घर जाएंगे, मैं घर पे आ गया था तो मम्मी कह रही कि पनीर लिया, तो पनीर लेने जा रहा हूँ क्योंकि आज भाई का बर्थडे है ना, जाते हैं पनीर लेकर आते हैं। आ गए हैं पनीर लेकर आए हैं, तो भाई ब्लॉग एडिट कर लेते हैं। और यार मैंने आज खाना नहीं खाया था, देखो भाई मेरी सुबह की रोटी है, कस्टमर के यहाँ पे दो समोसे खा लिए थे। तो बाकी आई होप अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।